दोस्तों परसोना कंसल्टेंट्स तो तुहानू सारी टीम वालों परसोना की समुची टीम वालों नवे साल दियाँ बहुत बहुत मुबारकबाद। परसोना अरदास करता है कि परमात्मा करे कि 2021 का साल तुहाडे सारयां दे लई तंदुरुस्तियां भरिया होवे ते कामयाबियां बख्शे। तुसी सारे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करो ते कामयाब हो। 2020 दा जड़ा जो होया सारी दुनिया नूं पता है। सारी दुनिया ने ये जिहड़ी महामारी है उन्हूं बुरी तरह भुगतिया है। बहुत नुकसान होए, लोकां दे कारोबार ठप हो गए। सो अरदास करदे आं कि लोकां दा अगला साल जिहड़ा ये साल चढ़िया है उह सारयां दे लई खुशियां भरिया रहे, सुखी रहे, तंदुरुस्त रहन, कामयाब होण। जे ठीक है, जेकर स्टूडेंट्स की गल करते हैं तो परमात्मा करे कि स्टूडेंट्स सारे चंगी विद्या प्राप्त करन, एजुकेशन लैन, ते जिहड़े बच्चियां दे भी वीजे नहीं लगे या किसी कारण वो लेट हो गए ने वो इस साल सारे कामयाब होण ते रब करे सारियां दियां मनोकामनावां पूरियां होण। सो दोस्तों अज दे लाइव दे विच असी कैनेडा बारे गल करांगे, कैनेडा दे स्टडी वीजे बारे गल करांगे। स्टडी वीजे दे विच जिहड़े बच्चियां ने एक दे विच 5.5 बैंड ने वो कैनेडा किद्दां जा सकदे ने, की ऑप्शन हैगीआं उहनां वास्ते, उहनां बारे गल करांगे। परसों दीआं न्यूज़ तुहाडा मैं कल लाइव होया सी कि जिहड़ा मॉन्ट्रियल नूं लैके कुछ कॉलेजेस दी उत्थे स्क्रीनिंग होनी शुरू हो गई है, ऑडिट होना शुरू हो गया है, तो उहनां ते टैंपरेरी बच्चियां नूं एडमिशन करन ते उत्ते रोक ला दित्ती गई है। उहदे कारण वक्रे वक्रे हैगे सी, पर किसी तरह की भी कोई घबराने वाली गल नहीं। बहुत सारे बच्चियां ने मॉन्ट्रियल दे विच इसलिए एडमिशन लई सी भी एक दे विच 5.5 बैंड दियां सब तो ज़्यादा ऑप्शनज मॉन्ट्रियल दे विच यानी कि क्यूबेक दे विच सी, पर होर ऑप्शनज भी अवेलेबल ने, वैनकूवर दे विच भी अवेलेबल ने, ते टोरोंटो विच भी अवेलेबल ने, ओंटैरियो दे विच भी अवेलेबल ने। सो गल की हुंदी है भी जदों एक पासे सारी दुनिया तुरदी है तो लोग उत्थे ज़्यादा यकीन करना शुरू कर देंगे। उन्होंने लगता है कि अगर 5.5 बैंड तो साढ़े बच्चे उत्थे वीज़ा मिलिया तो दूजे नूं उत्थे मिलेगा। सो इस करके एक लाइन लग जाती है। वैसे भी साढ़े पंजाबियों के जो सुभा हैगा वो ये हैगा कि जिधर नूं वो देखते हैं कि भीड़ है, उन्होंने यही लगता कि शायद ये भीड़ ने, तो सारे लोग समझदारी ने, इसलिए उत्थे भीड़ लगी हुई है, उत्थे वाकई ही साढ़े फायदे की गल है। पर इस तरह नहीं है, होर ऑप्शनज भी अवेलेबल ने, तो यही समय है कि होर ऑप्शन दे विच भी तुसी जा सकते हो, उत्थे भी पीआर लै सकते हो, अपनी वो स्टडी करके उत्थे वर्क परमिट लैके उस तो बाद पीआर उत्थे अप्लाई कर सकते हो। सो होर ऑप्शन बारे अज असी तुहाडे नाल डिस्कस करांगे भी होर ऑप्शन किहड़ियां किहड़ियां हैगियां ने। सो मैं एक बार फिर इत्थे ये तुहाडे नाल एक अनाउंसमेंट करना चाहना कि परसोना कंसल्टेंट की हमेशा ही कोशिश रही है अज तक पिछले 16 सालों तो परसोना स्टूडेंट वीज़ा सर्विसिज होर फिर इमीग्रेशन सर्विसिज ते विजिटर वीज़ा दियां सारियां सर्विसिज सारे लोगों को प्रोवाइड करता पाया। सो आने वाले वक्त दे विच भी यही नेक नीयत दे नाल, इमानदारी दे नाल लोगों को ठीक गाइड करांगे। बिजनेस साडा हैगा, उस बिजनेस दे नाल बहुत सारे परिवारों की रोजी रोटी चलती है, पैसे असी कमाने ने, पर गलत तरीके दे नाल नहीं। तुहानूं सही जानकारी दे के तुहानूं कामयाब करके असी फिर कामयाब होना चाहते हैं। खुद कामयाब हो के ना कामयाब करना बिल्कुल साडा परसोना कंसल्टेंट विच किसी तरह का भी कोई यहोजा ना नीत हैगी है, ना ही साडा कोई इदा का मकसद हैगा। सो चलो गल करिए अज लई जिहड़े स्टूडेंट्स दे एक बैंड एक मॉड्यूल दे विच 5.5 बैंड ने वो किहड़ियां ऑप्शन लै सकते हैं। ठीक है, सब तो पहला वैनकूवर की गल करांगे। वैनकूवर दे विच यूनिवर्सिटी ऑफ कैनेडा वैस्ट बहुत सारे प्रोग्राम्स ने जिहड़े कि इस तुसी यूनिवर्सिटी दे विच 5.5 बैंड दे नाल कर सकदे हो। एक मॉड्यूल दे विच 5.5 बैंड की मैं गल करदा पिया।
आयल्स भी वैलिड है, पी टी ई भी वैलिड हैगी है। सो तुसी इहदे विच आयल्स भी कर सकते हो, पी टी ई भी कर सकते हो, एसोसिएट डिग्री इन अकाउंटिंग, एसोसिएट डिग्री इन इकनोमिक्स, एसोसिएट डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी, एसोसिएट डिग्री दे ही बाकी दे सारे प्रोग्राम्स ने, ठीक है, जिदा कि मार्केटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, मीडिया कम्युनिकेशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया। सो आर्ट्स वाले बच्चे भी फिट हो रहे हैं, तो यू नो कमर्स वाले भी बच्चे फिट हो रहे हैं। नॉन मेडिकल वाले बच्चे भी बिजनेस के प्रोग्राम में जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने को मैथमैटिक्स होंगे है, जिदा आप अकाउंटिंग की गल करिए या फिर इकनोमिक्स की गल करिए। प्लस टू वाले बच्चे, प्लस टू वाले बच्चे जेकर उन्होंने नॉन मेडिकल किया हो तो कोई यहोजी कोई टेंशन वाली गल नहीं, ठीक तरह अगर अगर वो अपने आप रिप्रजेंट करते हैं कि क्यों वो नॉन मेडिकल तो क्यों दूसरी कमर्स फील्ड शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली यू नो वो शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ, जो कमर्स फील्ड वाले बच्चे ने वो मेडिकल या नॉन मेडिकल दे विच नहीं जा सकते। सो एक यू नो हायर लैवल तो थोड़ा जिहा तुसी लोअर लैवल में जा सकते हो, पर लोअर लैवल तो तुसी हायर लैवल दे विच बिल्कुल नहीं जा सकते। सो दोस्तों, ये दो साल के प्रोग्राम ने, दो साल के प्रोग्राम ने, तो ये जो इनटेक है, चलो हूँ जरा जैन तो निकल गया ऑलमोस्ट, आप अप्रैल की गल करिए, ठीक है, फिर जुलाई की गल करिए, अक्टूबर की गल करिए, अप्रैल जुलाई एंड अक्टूबर बैक टू बैक ये इनटेक ने तीन तीन महीने बाद। सो जे कोई बच्चा थोड़ा जहा लेट भी हो गया या किसी कारण उन्होंने फीस नहीं भेजी या कोई भी रीज़न हो गया या उसका वीज़ा विच लेट हो गया, बायोमैट्रिक्स के विच लेट हो गया, कोई भी रीज़न हो गया, उन्होंने नैक्सट इनटेक जो ऑटोमैटिकली वो डैफर हो जाना है। सो इनटेक भी जो तीन महीने बाद, ये नहीं है कि यू नो सिक्स मंथ्स बाद है तो बच्चे का बहुत गैप पै जाता, क्योंकि बहुत सारी यहोजी यूनिवर्सिटीज़ ने जिन्हों के प्रोग्राम सितंबर के सितंबर तो बाद फिर अगली सितंबर के एक साल बच्चे कई बार वेट करनी पैंदी है अगर बच्चा उस साल के ना जा पाया। सो ये बैक टू बैक इनटेक्स है अप्रैल जुलाई एंड अक्टूबर। सो अप्रैल तुहाडे रेडी है, जिहड़े बच्चे हुण अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने अप्रैल दे विच अप्लाई हो सकता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देना, वैनकूवर दे विच ये ऑप्शन हैगी है, डाउनटाउन वैनकूवर दे विच इहदी लोकेशन हैगी है, ते पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की गल करिए, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट इहदे विच 100% अवेलेबल हैगा, किसी तरह की भी कोई परेशानी है नहीं। दो साल का जिहड़ा ये तुहाडा अपने जिहड़ा कोर्स हैगा, इस तों बाद तीन साल का तुहानूं वर्क राइट्स मिलने हैगे। दूसरी गल करिए लॉयलिस्ट कॉलेज की, लॉयलिस्ट जो कि ओंटेरियो दे विच हैगा, उहदे कैंपस हैगे ने, टोरोंटो विच भी हैगा उन्हां दा कैंपस, उत्थे भी अंडर ग्रैजुएट प्रोग्राम्स अवेलेबल ने, जिहदे विच एक मॉड्यूल दे विच तुसी 5.5 बैंड दे नाल एडमिशन लै सकदे हो। मे दा हुण इनटेक हैगा, नैक्सट मे तो बाद इनटेक सितंबर दा हैगा। अंडर ग्रैजुएट दे जिहड़े प्रोग्राम्स हैगे ने, दो प्रोग्राम अवेलेबल ने, कंप्यूटर सिस्टम्स टैक्नीशियन, तो दो साल का अपना बिजनेस का प्रोग्राम। सो जिहड़े बच्चे ने नॉन मेडिकल किया हो या बच्चे कमर्स वाले ने, वो दोनों स्ट्रीम्स के बच्चे इतने ऑप्शनस ये ठीक अवेल कर सकते हैं, तो किसी तरह की भी कोई मतलब ये परेशानी वाली गल नहीं हैगी। इस तो बाद जो गल करिए कॉनेस्टोगा कॉलेज, कॉनेस्टोगा दे विच बहुत सारे एहोजे प्रोग्राम्स ने जिन्हां दे विच तुसी एक दे विच 5.5 बैंड दे नाल भी अप्लाई कर सकते हैगे हो। बहुत सारे प्रोग्राम्स ने बिजनेस नूं लैके, फिर नॉन मेडिकल दे विच लई यू नो आई टी दे प्रोग्राम्स हैगे ने। सो इस तरह ही कुछ आर्ट्स वाले प्रोग्राम भी हैगे ने, कमर्स वाले प्रोग्राम्स भी हैगे ने। सो ये सारे प्रोग्राम मे दे विच ते अपने सितंबर दे विच अवेलेबल हैगे ने। सो मे वाले जिहड़े बच्चे उन्हां दे लई ये राइट टाइम हैगा कि अप्लाई करन, क्योंकि जेकर लेट हो गए तो सीट्स जिहड़ियां हैगियां मे दे विच ऑलरेडी घट हुंदियां ने। मैं बच्चियां नूं एक बार फिर दसना चाहना कि मे इनटेक जिहड़ा कैनेडा दे विच शॉर्ट इनटेक हुंदा है, कि शॉर्ट दा मतलब कि बहुत थोड़े प्रोग्राम शुरू हुंदे ने, ते बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिहड़ियां मे च कोई प्रोग्राम शुरू नहीं करदियां हैगियां। सो दोस्तों, मे दे लई अगर तुसी रेडी हैगे हो, तुहाडे को जो आयल्स कीती हुई है, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैगे ने, ते तुसी टाइम बिल्कुल
भी वेस्ट किए ये अप्लाई कर सकते हो। 55% मार्क्स की ये रिक्वायरमेंट हैगी है। ये गल कर रहा मैं थोड़ी यूनो कॉनेस्टोगा कॉलेज की। सो इस तरह ही तकरीबन 50 के जो आस पास है ये रिक्वायरमेंट होंगी है सारे कॉलेज की, तो ठीक है यूनिवर्सिटी की। बेस्ट ऑफ थ्री लैके चलते हैं वो कि जो इंडिविजुअल जिदा PCM हो गया या PCB हो गया, जो मेन थोड़े 3 सबजैक्ट ने उन्होंने की परसेंटेज है। सो एवरेज जी 50% लैके चली जाती कि 50% वाले बच्चों दू जो एडमिशन है उन्होंने आराम ना मिल जाती है। अगर किसी बच्चे के 50% तो भी घट नंबर ने फिर वो सानू ऑप्शन कुछ होर देखनी पैदा ने। हूँ थोड़ा मैं गल करदा भी मोन्ट्रियल या क्यूबैक 10 कॉलेज से टैंपरेरी सस्पेंशन हुई है। वह मतलब ये हरगिज नहीं है कि असी उन्होंने लेबल कर लिए कि मोन्ट्रियल बंद हो गया, क्यूबैक बंद हो गया, जिदा कि आम तौर पर रौला पै जाता है जी उत्थे हुण वीजे नहीं लगने, उत्थे कॉलेज बंद हो गए, इस तरह की कोई गल नहीं। अज भी 1.5 बैंड के नाल क्यूबैक दे विच बहुत सारे सरकारी कॉलेज ने, गवर्नमेंट कॉलेज ने जोड़े कि बहुत ही रिप्यूटेड कॉलेज है, तो ईवन के प्राइवेट कॉलेज भी ने जोड़े कि तुम एडमिशन भी दे रहे, तो वीजे दे विच किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि बंद हो गया मतलब है कि क्यूबिक ने वीजे बगैर बंद कर देंगे तो उत्थे दा सिस्टम जोड़ा कोलैप्स हो जाएगा, जोड़ा उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट सिस्टम बनाया हुआ है बच्चे नूं वीजा ग्रांट करन दा, उन्हां दी जिहड़ी रैपूटेशन है उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। सो ये चीज़ हरगिज़ नहीं हो सकती। ठीक है, रही गल फीस की, बहुत सारे बच्चों ये हैगा कि जी उत्थे फीस साडी चलेगी तो फीस वापस क्यों भी आएगी कि नहीं आएगी। इत्थे मैं तुहानूं ये चीज़ इंश्योर करना चाहना कि फीस नूं लैके कैनेडा दे विच तुसीं शायद कदे नहीं सुनिया होएगा कि कॉलेज ने फीस मार ली या कॉलेज ने फीस दित्ती नहीं। सो ये एक मिथ है क्योंकि कैनेडा दे विच हर कॉलेज जिहड़ा इंश्योर्ड है बच्चों की फीस की जिहड़ी रिस्पोंसिबिलिटी है उहदा पहलां ही ध्यान रखिया गया है। कई मिलियन डॉलरस की जिहड़ी इंश्योरेंस हर कॉलेज की हुई है कि वो इंश्योरेंस अगर कोई कॉलेज उत्थे कलैप्स कर जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, उसके बावजूद भी वो हर बच्चे की फीस गवर्नमेंट पे कराएगी, उत्थे इंश्योरेंस कंपनी पे कराएगी, तो गवर्नमेंट उन्हें इंश्योर करेगी कि एक एक रुपया एक एक डॉलर बच्चे का वापस जाया जाए। क्यों? क्योंकि वो यहोजे कंट्री ने जोड़े कि किसी तरह की भी बैड नेम बदनामी अपनी नहीं लेना चाहते। उन्होंने एक रिस्पैक्टेबल सिस्टम बनाया, एक वर्ल्डवाइड एक रिस्पैक्ट एक मल्टीकल्चरिज्म उत्थे प्रमोट किया है, तो इन्ने साल की जी उन्होंने कमाई इदा खत्म बिल्कुल हरगिज़ नहीं कर सकते। सो जे आप गल करते हैं बच्चों ने मोन्ट्रियल दे विच जाना है तो मोन्ट्रियल दे विच मल्टी हैक्सा कॉलेज है, मल्टी हैक्सा दे विच IT दे प्रोग्राम्स है, ठीक है, ये एक नैटवर्क प्रोग्राम है, ठीक है, नैटवर्क मैनेजर, तो एक ACS द कोर्सिस है। दूसरा कॉलेज ठीक है अपने हैगा माइलस्टोन कॉलेज, माइलस्टोन दे विच कंप्यूटिंग सपोर्ट का प्रोग्राम हैगा, तो ये दोनों जड़े यूनो कॉलेज है इस तो अलावा भी अपने सर विलफर्ड लॉरियर, तो दूसरा हैगा अपने लेस्टर बी पीयरसन कॉलेज। ये वाले कॉलेज दे विच भी एडमिशन आराम ना हो रही ने, 1.5 बैंड भी जेकर तुहाडे हैगे ने तो किसी तरह की भी कोई भी दिक्कत नहीं हैगी। सो दोस्तों रहा 5.5 बैंड के नाल उन्हां बच्चों के लिए ऑप्शन जिहड़ियां दे एक मॉड्यूल दे विच साढ़े 5 बैंड ने, तो वो अपना कैनेडा दे लई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। सो साडा जिहड़ा हैल्पलाइन नंबर हैगा वो हैगा 8566028008। मैं एक बार फिर रिपीट कर दिना 8566628008। इस हेल्पलाइन नंबर पर तुसी कोई होर भी इनफॉर्मेशन लेनी होवे आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कैनेडा ते इवन USA या यूरोप दे विच तुसी साडे कोलों जर्मनी दे विच एडमिशन लै सकते हैगे हो। असी सक्सैसफुली वीजे ग्रांट करवा रहे हैं बच्चों के, होप है कि असी भी इस साल तुहानूं होर बैटर सर्विसिज दे सकांगे। तो ये ही मैं अज्ज इजाजत चाहना थोड़े। थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल।